अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही है। तो आज के व्लॉग में मैं बनाने लगी हूँ, बल्कि रिकॉर्ड कर रही हूँ, और बुशरा बना रही है गुड़ वाले राइस। मेरी खाला जो मेरी सास है उनकी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और आप लोग इन्जॉय करें हमारा फ़न व्लॉग। हमने बहुत इन्जॉय किया था रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि बुशरा मेरी खाला की स्टूडेंट है, तो वो यहाँ आती है घर, और वो ये राइस उसने उनसे ही सीखी हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी रेसिपी और आप लोग भी इंजॉय करें। इसमें क्या डाला है आपने? इसमें मैंने गुड़ डाला है। गुड़ अंदाजे से ही डालना है? हाँ जी, अंदाजे से। यानी कितने गिलास चावल हम दो बना गिलास रहे? चावल है। अच्छा, डेढ़ गिलास। हाँ हाँ डेढ़ ही ठीक है। 1.5 कप चावल है और उसमें गुड़ 3 पीसेस डाले हैं ना, और सौंफ कितनी डालनी? एक पैकेट 10 रुपए का आता है वो डाला है। अच्छा, और गुड़ और इसको, और इसमें कितना पानी डाला? इसमें 4 ग्लास मैंने वाटर डाला है, यानी राइस से डबल। हाँ जी, अच्छा राइस से। ठीक है ना। और अब इसको कितनी देर ऐसे पकाना है? जब तक ये मेल्ट इसमें हो जो जाए, मेल्ट नहीं ना होता गुड़, गुड़ उतनी देर से वो करना है, यानी बॉयल नहीं करना। हाँ जी। अच्छा, फिर हम इसकी आंच बंद कर देंगे, इसे एक अलग बाउल में पानी को छान लेंगे। अच्छा अच्छा इसमें से हम सौंफ, सौंफ का असर बस निकालना है इसमें, और सौंफ फिर निकाल देनी है, और ताकि इसमें टेस्ट आ जाए, इसका सौंफ का टेस्ट आ जाए इस गुड़ वाले पानी में। फिर बुशरा हमें बताएगी अगर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ओके बुशरा, ठीक है, थैंक यू। बताती हूँ कि बुशरा कौन है। बुशरा मेरी जो खाला है उनकी स्टूडेंट है, और वो हमारे घर आती है। बंद कर दी है और इसको अब हमने अलग छान देना है। अच्छा, छान के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये बुशरा ने सौंफ का पैकेट डाला है इसमें, आई थिंक बुशरा ने ये वाला सौंफ का पैकेट डाला है इसमें, आई थिंक 2 टेबलस्पून सौंफ है ना बुशरा है। अच्छा, ये पानी हमने निकाल दिया अब गुड़ वाला। अब कितना ऑयल? हाफ कप ऑयल डालेंगे सबसे पहले, और फिर इसमें ये इलायची डालनी है, लौंग और बड़ी इलायची। ये 4-5 लौंग हैं और 2 बड़ी इलायची हैं, ये डालेंगे। जब तक ऑयल नहीं गर्म होना है तब तक हम और भी काम करेंगे। अच्छा, तो आप बुशरा जो है उसमें कोकोनट कट कर रही है, और बुशरा क्या है इसमें? बादाम है? बादाम है। वो नहीं डालते सोगी? डालते हैं सोगी जो हम नहीं डालते आज, तो आज हम बादाम बच्चे निकाल के बाहर फेंक देते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बांध रहे हैं, तो इसमें अच्छा। हमने किशमिश नहीं डाली, और मेरी फरमाइश पे बुशरा बना रही है। थैंक यू बुशरा। ये देखें, इसे पानी में क्यों भिगोते हैं? ताकि सॉफ्ट हो जाए। हाँ जी। अब पहले हमने इसकी खुशबू आने तक पकाना है ना, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। बस ये जो और ये पहले से पका हुआ है, थोड़ी देर इसे 2 मिनट और पकाना है, फिर जो भिगोए हुए राइस है वो इसमें मिक्स कर देने हैं, डाल देने हैं। ठीक है। अच्छा, तो बुशरा ने अब इसमें पानी डाल दिया है, अब चावल डाल देंगे। हाँ जी, चावल साथ ही डाल देने हैं। और बुशरा, ये मेरी खाला की रेसिपी है ना जो आप फॉलो कर रही हो। हाँ जी। फिर बस पानी ड्राई हो जाना और दम। ठीक है। और ये हंस रहे हैं, ये देखो बुशरा को भी हंसा रहे हैं ये। अब पानी ड्राई होगा फिर हम इसमें वो डालेंगे। राफी क्या कर रहा है? राफी क्या कर रहे हो हैं? ये पानी ड्राई होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें हमने ये जो कोकोनट कट की थी और ये
बादाम है ना वो इसमें डाल ले। बुशरा ने कभी वीडियो नहीं ना बनाई इसलिए से बहुत हंसी आ रही है। और हम इस गुड़ वाले चावल की रेसिपी को फुल एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी इस रेसिपी से बना रहे हैं आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और इस स्टेज पे आप लोग जो है वो मीठा चेक भी कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। बुशरा दोबारा गुड़ का पानी बना के डाल दें? नहीं अगर शुगर है तो वो डाल दें। अच्छा इसका ये है कि इसमें आप शुगर डाल दें अगर आपको मीठा कम लग रहा है। और बुशरा कोई टिप अगर आप देना चाहोगी सही राइस बनाने के लिए? वो कह रही है कोई टिप नहीं है, बस इस तरह आप बनाए आपके बहुत अच्छे राइस बनेंगे। हाँ बस इसका पानी कुछ ड्राई होगा तो हम इसको दम दे देंगे। कितनी देर दम देना? 5 मिनट। बस 5 मिनट दम देंगे और हमारे राइस रेडी हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अब हम इसका दम ओपन करते हैं और ये हमारे यम्मी से गुड़ वाले राइस रेडी है। मैं इसे प्लेट लाना उसमें निकाल लूँ मैं थोड़े से। हाँ जी आ जाओ आपको दिए दूँ। आपने खानी है?